फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो कुछ मीठा हो जाए, तो बस वही मीठा बनाने के लिए शुरू हो गई है मेरे किचन का सारा सेटअप। अब देखिए आगे क्या 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 बन रहा है। ये मेरा देसी घी था, देसी घी में हमने ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा ब्राउन किया है। उसके बाद उसी देसी घी में, उसी सेम पैन में हम इलायची डालेंगे अपने मेंबर के हिसाब से, क्वांटिटी से। हम रवा डालेंगे, जिसको सूजी भी बोलते हैं, रवा भी बोलते हैं, जितना जिसके वहाँ खाया जाएगा, जितने लोग रवे को, सूजी को हम देसी घी में अच्छे से भूनेंगे, डार्क ब्राउन करेंगे, क्योंकि वो कच्चापन रह जाता है और धीमी आंच पे, लो फ्लेम पे। जब तक ये अच्छे से भुनेगी तभी इसका टेस्ट आएगा, तभी इसमें से अच्छी सी खुशबू आएगी। मतलब फिर धीरे धीरे फ्लेम बढ़ाएंगे, जब ये डार्क कलर अपना आने लगेगा तब हम इसको बढ़ाएंगे, और जब ये भुन जाएगी तब हम इसमें दिखाते हैं, हल्का हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तब हम थोड़ा सा उसमें घी और ऐड करेंगे, क्योंकि मतलब लास्ट में जब ये होने लगता है ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो बहुत अच्छे से चलाते रहिएगा, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, फिर धीरे 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 वो जल्दी ब्राउन होने लगता है। तो लास्ट में हम घी ऐड करेंगे, शुरू में ऐड कर देंगे घी तो वो जल्दी हो जाएगा, वो अपना वो स्लो प्रोसेस वाला जो हलवा होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और धीमी आंच पे अगर आप कोई चीज़ भूनेंगे तो उसका अपने आप एक टेस्ट अपने आप निकलता है, एक अरोमा, एक खुशबू जो होती है वो अपने आप अच्छे से निकलती है। थोड़ा पेशेंटली चीज़ें बनाएंगे तो उसका टेस्ट और डबल हो जाता है। तो बस इसको धीमी आंच पे ही रखे भूनेंगे, फिर अभी देखिए कितना अच्छा कलर आ जाएगा। कैमरे में नहीं इतना अच्छा कैप्चर हो पा रहा है, ये शायद आपको दिख रहा होगा, ये ब्राउन होना चालू हो गया है। बस अभी ये एकदम, बहुत से लोग पतला एकदम खाते हैं, बहुत से लोग भुना हुआ खाते हैं, हम लोगों के वहाँ ये एकदम भुना हुआ खाया जाता है। और आज एकदम से मन किया, ये सोचा अरे ये तो फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, चलो हर तरफ जो है मीठा बन रहा है, हम भी मीठा बनाते हैं और साथ में फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय करेंगे। ये गरम खाया जाता है, लेकिन इस टाइम सब लोग अब स्कूल गए हैं, ऑफिस गए हैं, तो हम लोग शाम की चाय के साथ इसको खाएंगे। आप लोग हमें बताइएगा आप लोगों के वहाँ क्या सबसे आसान और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मीठा आइटम हमें बताइएगा, मतलब होम मेड। ऐसे तो बाहर वाले तो बहुत सारे हैं, होम मेड। अब ये मेरा ब्राउन कलर हो गया, अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये भी आपके वहाँ जितनी खाई जाती है, बहुत से लोग बहुत मीठा खाते हैं, बहुत से लोग कम मीठा खाते हैं, तो हमारे वहाँ कम मीठा खाया जाता है, तो हमने अपने सूजी के ही अकॉर्डिंग इसको लिया है। अब इसको अच्छे से ये मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम करेंगे वाटर ऐड, वो भी थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अब बस इसको बॉयल आएगा, इसको पकेगा ये, उसके बाद इसको हम चलाते रहेंगे, जब ये पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स अभी भी डाल सकते हैं, एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स मेरे वहाँ कोई पसंद ही नहीं करता, लेकिन फिर भी हम डाल फ्रूट्स हम अभी डाले दे रहे हैं, जिससे वो गल जाएगा ना, वरना वो टाइट टाइट से रहेंगे। तो थोड़े अभी डालेंगे, थोड़े भी रुक के डालेंगे। तो पहले ही हमने इनको भून लिया था, तो ये कोई कच्चे तो है नहीं। बस अब इसकी भुनाई अच्छे से हो जाए ना, फिर देखिए कितना अच्छा बनता है ये सूजी का हलवा, बहुत टेस्टी बनता है। ये जो दानेदार होती है ना सूजी, ये सबसे अच्छी होती है, जो मोटी मोटी होती है ना दानेदार, वो सबसे अच्छी होती है। अब बहुत से लोग इस टाइम पे भी घी डालते हैं, अब ये आपके ऊपर है, आप कितना घी खाओगे, कितना घी डालोगे, हर टेस्ट अपने आदमी अपने घर के हिसाब से बनाता है ना, अपने घर वालों के हिसाब से, उसके टेस्ट के हिसाब से।
तो बस मेरे वहाँ ज़्यादा घी पसंद नहीं करेंगे, इवन ड्राई फ्रूट्स भी नहीं पसंद करते, फिर भी हमने टू लुक गुड के चक्कर में हमने डाल दिए ड्राई फ्रूट्स। हमारा हलवा एकदम रेडी है, ये देखिए कहीं पे कोई वाटर नहीं है, कहीं पे कोई भी, एकदम रेडी हो गया है।